Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. You're watching Sundown Evening Tea with me, Naila Shuja. We're currently at Tangalo's here in Blue Area, Islamabad, and today we're going to be sitting down with a personality who is a journalist, a columnist, a talk show host. He writes for the Express Tribune, contributes for TRT World. He's written for Dawn News, PTV News Night, and Radio Pakistan, along with the Frontier Post. He's done so much, but मैं खुद नहीं बताऊंगी, मैं उनको एक चांस दूंगी ताकि वो हमें बता सकें कि वो क्या कर रहे हैं आजकल. तो चलें आएं आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं. वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, मिस्टर कामरान यूसुफ, कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में लाने का, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. क्या हो रहा है आजकल पाकिस्तान में? आपको पता है ना कि अगर आप सहाफ़ी हैं तो कभी डल मोमेंट नहीं होता. बिल्कुल. तो वन वे और दी अदर, हमेशा जब खबरें गर्म रहती हैं तो सहाफ़ी जो है वो भी आपको पता है कि मसरूफ़ रहते हैं. हाँ जी. तो आजकल आपको पता है कि जो कश्मीर में जो कुछ हुआ है, इंडिया ने जो फैसला किया है, उसके बाद पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा है और जो सारे मामलात हैं. हाँ जी. तो इसकी वजह से फिर आपको पता है कि बस कांस्टेंट न्यूज साइकिल चल रहा है. कांस्टेंट न्यूज साइकिल, बट देयर इज अ नेवर डल मोमेंट कहते हैं पाकिस्तान में, जो न्यूज़ इंडस्ट्री है ना उसमें नहीं है. तो बस ऐसी ही सूरत हाल है. मैं सबसे पहले ये पूछना चाहती हूँ कि आजकल आपकी क्या मसरूफियत है? देखिए, आजकल सहाफ़ी की क्या मसरूफियत होती है, कि सोशल लाइफ कभी होती नहीं है उसकी. ये क्यों? उसकी रीज़न ये है कि आप इतना इंगेज होते हैं. जैसे मैंने कहा कि जितना मुझे अरसा हुआ है सहाफत में, तो बहुत कम ऐसा टाइम मिला, क्योंकि वन आफ्टर दी अदर ऐसे इवेंट्स हुए. तो अगर आप मेरी प्रोफेशनल अगर आपको देखें तो आपने जिक्र किया कि करंटली मैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून के साथ हूँ. उसमें मैं लिखता भी हूँ, कॉलम भी लिखता हूँ, और क्योंकि मैं सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट भी हूँ तो फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी के एरिया को लुक आफ्टर करता हूँ. फिर क्योंकि मैं साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी मुंसलिक हूँ, तो मैं टीआरटी वर्ल्ड जो है, टर्की का ग्लोबल इंग्लिश चैनल है, उसके लिए को पाकिस्तान में रिप्रेजेंट करता हूँ, तो उधर इंगेजमेंट रहती है. और उसके अलावा फिर आपको पता है कि बहुत से प्राइवेट चैनल्स हैं, अक्सर हर दिन या हर दूसरे दिन उनकी तरफ से दावत आ जाती है प्रोग्राम के लिए, वहाँ पर एनालिसिस के लिए. बल्कि इस प्रोग्राम के बाद भी मेरी तीन इकट्ठी इंगेजमेंट है, मैं जाना है उसके बाद, और फिर अपने ऑफिस भी जाना है, वहाँ पे भी काम करना है. तो कंटिन्यूअसली आप फिर देख लेंगे क्या उसके बाद मेरे पास क्या टाइम बचेगा, शायद सोने का ही टाइम बचेगा. आई एम सो सॉरी अबाउट दैट. इट्स ऑल राइट, बट आई एंजॉय इट. द जर्नलिज्म इज माय पैशन. हां जी. तो आप जब किसी चीज को एंजॉय करते हैं तो फिर आपको वो चीज फील नहीं होती. दैट्स ऑलवेज आई वांटेड टू बी, कि इस तरह होना चाहिए, और दैट्स एग्जैक्टली इज हैपनिंग. सो डिड यू ऑलवेज वांट टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा? I always wanted to become a journalist. Okay, so a journalist. मैं journalist और बड़ा surprisingly, when I was in class 8th, at that time, मतलब people used to ask me कि आप क्या बनना चाहते हैं. मैं कहती हूँ मैं तो सहाफ़ी बनूंगा. तो यूजली जो लोग थे वो बड़े हैरान होते थे कि यार उस एज के बच्चे तो वो कह मैं डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आर्मी बनना है. आप तो मुझे हमेशा से एक शौक था कि सहाफत में जाना. मुझे नहीं पता था कि सहाफत होती क्या है, कैसे जाऊँगा, क्या करूँगा, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि जर्नलिज्म एक ऐसा प्रोफेशन है कि वो एक शॉर्टकट भी है, कि आप इतने शॉर्ट स्पैन में आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, मुझे घर वालों ने कहा कि जी आप आर्मी में चले जाओ, सिविल सर्विस का दे लो. मैंने सोचा कि अगर आर्मी में भी आप जाएं, आप कमीशन ले लें, तो आप जनरल कब बनेंगे? 35 साल लगेंगे आपको बनने के लिए. अगर आप सिविल सर्विस में जाते हैं, अगर आप सेक्रेटरी बनते हैं, उसके लिए भी आपको 35 साल चाहिए. तो मैं कुछ ऐसा करना चाहता था कि यार ये चीज़ें जल्दी हों. तो जर्नलिज्म की वजह से, मतलब मैं 21 साल की उम्र में जर्नलिज्म में आ गया. मैं पॉलिटिशियंस के साथ, सीनियर जर्नलिस्ट के साथ, सियासतदानों के साथ, सारों के साथ जब बैठ के, तो वो जो चीज़ मुझे अचीव हुई वो कभी किसी जगह अचीव नहीं हो सकती. दैट्स ट्रू. कि आई वाज सिटिंग एट पार विद देम. तो वो चीज़ वो एक मोटिवेशन थी मेरी कि मैं कम वक्त में ज़्यादा चीज़ अचीव करूँ, और ये चीज़ मेरी जर्नलिज्म. तो मतलब आपके पेरेंट्स ने क्या सोचा था कि व्हेन यू डिसाइडेड टू टेल देम दैट यू वांट टू बी अ जर्नलिस्ट, तो व्हाट वाज देयर फर्स्ट रिएक्शन? पेरेंट्स को इतना देखें उस वक्त, क्योंकि मेरे माय फादर वाज इन आर्मी, और मेरे फैमिली में और तो कोई जर्नलिज्म में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था किसी का कि यार जर्नलिज्म भी कोई प्रोफेशन है. और जब मैंने सोचना शुरू किया तो उस वक्त तो इसके अंदर कोई पैसे भी नहीं थे. लोग कहते थे जी ये तो लोग फ्री में काम करते हैं. जी. बल्कि मज़े की ये बात है कि जब मैंने जर्नलिज्म का पहला साल था जब शुरू किया एक अखबार से, इस्लामाबाद के, मैं ऐसे ही जस्ट चला गया वहाँ से, तो उन्होंने मुझे रख लिया कि चलें यार करें, आपको ये जानकर हैरानी होगी
लेकिन जो जर्नलिज्म से वाबस्ता उनको नहीं होगी। ये 13 महीने मैंने बगैर किसी तनख्वाह के काम किया। तो मेरे बड़े भाई थे, उनके साथ मैं रहता था, दो भाई। तो मेरे वालिद साहब मुझे कहते थे कि यार आप बड़ी अच्छी जॉब करते हो, मतलब पैसे अपने भाइयों से लेते हो और इस चीज़ पे खुश हो के नाम छप गया है, और तो कोई काम है नहीं। लेकिन मुझे अंदर से हमेशा यकीन था कि इंशाल्लाह एक टाइम आएगा कि इसमें मैं इतना नाम कमाऊँगा कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो ही मैं उनके लिए एक प्राइड बन जाऊँगा। और वो कुछ अरसे के बाद यही हुआ कि मेरे फादर फिर जहाँ भी जाते मेरा तारुफ कराते कि ये कामरान मेरा बेटा है, वो टीवी पे आता है, रेडियो पे करता है। और ये चीज़ टर्न अराउंड हुई क्योंकि मुझे पता था कि मैं अपने पैशन को फॉलो कर रहा हूँ। जब पैशन को आप फॉलो करते हैं तो बाकी जो चीज़ें वो आपके साथ ऑटोमेटिकली आती हैं। और एग्जैक्टली वही हुआ। मैंने 13 महीने अगर फ्री में काम किया, फिर मुझे 2 महीने जब उन्होंने जॉब पर हायर किया, मेरी पहली तनख्वाह कितनी थी, शायद 2000 रुपये। उसके बाद दो महीने के बाद उन्होंने मुझे निकाल भी दिया। आए बस आपको पता है जर्नलिज्म में ऐसे ही होता है। नेवर गिव अप। फिर मैंने एक और इदारा ज्वाइन किया, वहाँ पे भी मेरी शायद 3000 रुपये तनख्वाह थी। तो इस तरह से, लेकिन आई नेवर गिव इट अप। और शुरू के जो जर्नलिज्म के था अप्स एंड डाउन्स, मुझे इतना शौक था कि आई नेवर टुक वीकली ऑफ, बट मे बी 5-7 ईयर्स आई नेवर टुक वीकली ऑफ इवन। आई वाज सो पैशनेट अबाउट। ओह माय गुडनेस, तो रेस्ट एंड रिकवरी का बिल्कुल आपको टाइम नहीं, बस मतलब मुझे लगता नहीं था, मुझे लगता था बस यही मेरा पैशन है, यही चीज़ें हैं। And those things actually paid me off now. आपने ये challenges कैसे face किए? मतलब constant, I guess, rejection in a way, या constant, you know, constantly being let go. तो वो तो एक negative impact भी create कर देता है आपके mindset पे या outlook पे. तो how did you handle this? कहते हैं ना, शख्स के character का पता तब चलता है कि आप crisis situation में कैसे handle करते हैं. क्योंकि अच्छे वक्त में जब आपको कामयाबी मिल रही है तो everybody रिएक्ट द सेम वे। आपको जो आपके सराउंडिंग में दोस्त हैं, पेरेंट्स हैं, फैमिली वाले हैं, एवरी वन अप्रिशिएट्स। जब आप नाकाम होते हैं तो एक तो आपका अपना उस वक्त कैसे रिएक्ट करते हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। दूसरा जो सोसाइटी के जो लोग हैं आपके फैमिली के अंदर, जैसे मैं अपने मिसाल दी, वो लोग भी एक्सेप्ट नहीं करते, वो भी क्रिटिकल होते हैं। तो उस वक्त आपका ट्रू कैरेक्टर होता है। मेरे अंदर शायद अल्लाह ताला की तरफ से है कि जब भी मुझे सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूं, प्लीज आप चाय लें। सबसे पहले तो आप चाय लें, चाय चाय चाय, क्योंकि चाय तो साफी जो है चाय के बगैर नहीं चलता। ये भी है कि साफी एक मशहूर है बात के साथ। तो ये जो मैं बात कर रहा था कि जो मेरे अंदर अल्लाह ताला की तरफ से शायद ये गॉड गिफ्टेड थी कि जो मुझे चैलेंज करता था या मुझे क्रिटिसाइज करता था कि यार मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, जो मुझे वो मेरे लिए मोटिवेशन बन जाती। तो मुझे लगता था नहीं यार मैंने ये चीज़ गलत साबित कर दी। Like you have to prove them wrong, no matter what. क्योंकि मैं रेडियो में काम किया, टीवी में काम किया, लेकिन बहुत से लोगों को या जो लोग मुझे जानते हैं या शायद लोग एंड प्रोडक्ट देखते हैं कि मैं इस जगह पर पहुँचा। मैं 3 दफ़ा रेडियो पाकिस्तान से रिजेक्ट हुआ ऑडिशन में, 4 दफ़ा मैं PTV में ऑडिशन देने गया, मुझे शौक था, मैं रिजेक्ट हुआ, लेकिन मैंने कभी गिव अप नहीं किया। मुझे उन्हें उर्दू में FM में मुझे शौक था RJ बनने का, वो वहाँ पर नहीं हुआ। मुझे किसी ने कहा कि आपकी रेडियो की आवाज़ नहीं है, मैंने कहा यार आप रेडियो में आना है, FM में छोड़ो यार इसको, सीरियस काम करते हैं, मैं जर्नलिज्म करंट अफेयर्स में आऊँगा, न्यूज़ कास्टर बनूँगा और अंग्रेज़ी में बनूँगा, छोड़ो उर्दू को। तो वो मैंने That's inspirational, पता है, that's, फिर मैं बीबीसी घर जाके मेरे पास, मैं बीबीसी रेडियो सुनता था टीवी पे भी, उस वक्त बीबीसी नहीं आता था, उसको सुन के फिर मुझे उसको कॉपी करना कि यार ये कैसे बोलते हैं, पुरानी अंग्रेज़ी की अखबारें ले लीं। तो बहुत अरसे तक मैं प्रैक्टिस करता रहा। एक्चुअली उल्टा हिसाब है, मेरी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है बट मेरी उर्दू बहुत वीक है। तो आप ना मेरे लिए लिटरली एक इंस्पिरेशन है कि अगर आप कर सकते हैं तो फिर यू नो डेफिनेटली इफ आई वर्क हार्ड इनफ तो फिर मैं भी कर पाऊंगी। मजे की बात है, आप वो सिर्फ ये ना कर सकते हैं बल्कि मैं, मेरी कोई जो एजुकेशन बैकग्राउंड है, एकेडमिक्स जो हैं, आई एम श्योर कि आपकी तो बड़ी स्ट्रॉन्ग होंगी। मैं जिस स्कूल से मैंने प्राइमरी की एजुकेशन हासिल की थी, ज़मीन पर बैठ के की थी, टाट भी नहीं थे, बिल्कुल ज़मीन। और वो जो स्कूल है, आई बिलोंग फ्रॉम चकवाल का गाँव है, उस स्कूल का जो आज भी उस स्कूल में चार दीवारी नहीं है। तो क्लास 6 से तो मैंने ABCD पढ़ना शुरू किया, तो ग्रेजुएशन तक मुझे, आप ये आई एम वेरी ऑनेस्ट विद यू, मुझे ये एक्टिव वाइज पैसिव वाइज क्या होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, मुझे नहीं पता था। आई जस्ट अप्लाई माई माइंड। मैं जब जर्नलिज्म में आया तो आई रियलाइज किया कि कितना आसान था, लेकिन हमें एक टीचर ऐसे मिले, कभी उन्होंने कभी सिंपल एग्जांपल ही नहीं दी। हाँ जी। तो जस्ट इमेजिन कि अगर मैंने अपने लाइफ में इतना लेट स्टार्ट किया कि अंग्रेज़ी जब 6th क्लास में पढ़ना शुरू, वो भी ABCD, तो अगर इफ़ आई कैन डू इट तो एनीबॉडी कैन डू इट।
नथिंग इज इम्पॉसिबल. दैट्स ट्रू, नथिंग इज इम्पॉसिबल. आई मीन क्योंकि जब मैं आया, बहुत से लोग कहते थे अच्छा यार आप कहाँ बाहर से पढ़ के आए. मैंने कहा जी मैं कोई बाहर से पढ़ के नहीं आया, मैं तो ग्रेजुएशन किया, उसके बाद प्राइवेट मास्टर्स किया. अच्छा. हाँ, तो क्योंकि बहुत से लोगों को यकीन नहीं किया यार आप कैसे हो गया. लेकिन शायद ये नहीं है कि मेरी एक मैडनेस थी. मैंने आपको बताया मैडनेस थी. मैं अंग्रेज़ी के पुराने अखबार लेकर के उसको ऊंची आवाज़ में पढ़ते रहना. मुझे घर वाले कहते थे यार देखो पागल लगा होगा, क्योंकि बाद में आपको पागल टेढ़ा करके कर रहा है या पागल. उस वक्त मुझे कुछ समझ भी नहीं आता था मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ. ठीक है, तो आप कितना टाइम इसको डेडिकेट करते थे? मैंने आपको बताया ना कि मैं और मेरा कोई काम था ही नहीं. मतलब जब मुझे फारग टाइम मिलता था तो बस मैं पुराने अखबार उठाए अंग्रेज़ी के और उसको पढ़ना शुरू कर दिया. फिर जो टाइम बचा वो BBC इंग्लिश मैंने सुनना शुरू कर दिया, उसको सुनता. फिर देखा था कि यार ये प्रोनंसिएशन कैसी है, ये क्या चीज़ है. फिर मैं ये करता कि उसको रिकॉर्ड करना भी अपना. मैंने एक कैसेट प्लेयर ले लिया, उसको मैं रिकॉर्ड करता कि मैं मेरी आवाज़ कैसी है. तो ये मैं इसमें बहुत 2 साल मैं इसमें लगा रहा. तो प्रोनंसिएशन और पूरा डिलीवरी और वो गलत, कोई समझ नहीं आ रही. मैं खबर क्या पढ़ रहा हूँ, पढ़ते जा रहा हूँ बस. ठीक है, मतलब करते 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 एक टाइम आया कि वो हो गया. फिर मैं जब मज़े की बात है, रेडियो पाकिस्तान में मैंने ऑडिशन दिया. उन्होंने बुलाया कि कुछ उनको अंग्रेज़ी के न्यूज़कास्टर्स चाहिए थे. तो 1-2 हफ्ते तक ऑडिशंस हुए. वो ऑडिशन देके भूल ही गया कि किसने बुलाया नहीं मुझे. 6 महीने के बाद मुझे मेरे ऑफिस में कॉल आई. उस वक्त मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, मैंने नंबर दिया. तो वैसे मुझे कॉल आई कि जी आपने फ़लाँ फ़लाँ टाइम पर ऑडिशन दिया था तो आपकी सिलेक्शन होगी, कल आप आ जाइए. तो मुझे बाद में पता चला कि वो इतने लोगों के ऑडिशन हुए थे, आई वॉज दी ओनली वन हु गॉट सेलेक्टेड. और जो डायरेक्टर न्यूज़ थे वो मुझे कहने लगे यार आप कहाँ से पढ़ के आए हैं, आप बाहर से पढ़े हैं क्या? और मैंने कहा जी कहाँ बाहर से पढ़ूँ, मैं तो टार्ट क्या टार्ट से भी नीचे बैठ के पढ़ाऊँ, बस मुझे शौक था तो करके. तो अच्छा, really तो जब आप ये टार्ट के स्कूल में पढ़ते थे तो कोई टीचर्स ऐसे थे जो आपको मतलब जी बिल्कुल टीचर जी ये वाला तो हमने सीन बहुत देखा. बल्कि प्राइमरी तक जो हमारी फीमेल टीचर्स थी, हाँ जी, जो मेरी क्लास टीचर थी वो शी हैड दिस मिसपरसेप्शन अबाउट मी कि मैं बड़ा नालायक हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है. तो शी यूज टू स्कोल्ड मी अ लॉट. तो मैंने कहा पता नहीं क्यों करती हैं. लेकिन जब रिजल्ट आए तो शी वॉज ऑल्सो शॉक्ड कि ओ माई गॉड, ये तो मैं आई वॉज थिंकिंग के इनको तो कुछ भी नहीं आता, दिस बॉय वॉज नथिंग, बट ही एक्चुअली प्रूव्ड मी रॉन्ग. तो जब हाई स्कूल में गए, जिस स्कूल में मैं चकवाल में पढ़ता था वहाँ पर, तो अब तो हमारे जो बच्चे हैं स्कूलों में तो वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना. अगर आपको कोई बच्चे की उंगली भी उठा दें तो घर जाके शिकायत करते हैं. घर जाके ऐसी शिकायत तो हमारे यहाँ तो आपको पता है कि ऐसे ऐसे टीचर्स थे, उन्होंने स्पेशल जो है वो डंडे रखे होते थे मारने के लिए. नहीं तो ये वो किया, वो प्रॉपर जो है ना वो. और आप इमेजिन करें कि सख्त सर्दी में अब आपको आपके बिल्कुल हाथ जो है ना फ्रीज हुए हैं, फिर आपको कुछ नहीं आता. आपको टीचर आपसे आपका जो है ना लेसन सुन रहे हैं, तो आपने एक हाथ निकाला, जैसे मिस हुआ मेरे दिल को कुछ हो रहा है. प्लीज आप ले दिस इज नॉट समथिंग जो है ना, ये कोई इतना वो नहीं है. तो ये मतलब चीज़ें हैं वो. इट वाज फन, मतलब याद आता है. तो उस वक्त एक प्रेशर था, दहशत होती थी टीचर्स की. और लेकिन अब तो मेरे ख्याल से वो भी खत्म हो गई है. आप एंजॉय अब एंजॉय करते हैं कि यार वो भी टाइम था. चीज़ें आती हैं, मतलब आई एंजॉय इट बिकॉज जो स्ट्रगल का भी एक पीरियड है ना उसको भी एंजॉय करना चाहिए. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इफ यू अचीव समथिंग, हां जी, तो स्ट्रगल को भी आपकी स्टोरी अच्छी लगती है. आई मीन एवरीवन हु हैज कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रेटर सोसाइटी हैज दिस यू नो रियली इंस्पिरेशनल स्टोरी एंड इट्स यूजुअली दोस पीपल हु हैव यू नो कम फ्रॉम वेरी वेल नॉट of the status quo backgrounds. वो ज़्यादातर ये होता है कि यू नो मुश्किल सा चाइल्डहुड था, एकेडमिकली दे वर वीक या दे वरंट गिवन द राइट अपॉर्चुनिटीज़ एंड देन एकदम से वो एक अपॉर्चुनिटी की वजह से दे जस्ट शूट अप एंड दे बिकम दिस ह्यूज सुपर स्टार. सो आई मीन दैट्स वंडरफुल, दैट्स एब्सोल्युटली इंस्पिरेशनल. ये बिल्कुल आई थिंक मैंने आपको बताया ना कि कुछ लोगों के लिए यकीनन जो टफ सिचुएशन फेस करते हैं बहुत से लोग शायद उसको हैंडल नहीं कर पाते. लेकिन जो सक्सेसफुल लोग हैं वो उसी को अपनी मोटिवेशन बना लेते हैं कि जिस चीज़ की आप में कमी है वो उसको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बता लेते हैं. मतलब फॉर एग्जांपल मैं जब इस्लामाबाद में आया बैक इन 97 तो मेरे लिए तो सबसे पहले इट वाज इस्लामाबाद वाज सो ओवरवेलमिंग कि मुझे तो वो जब शीशे का
जो दरवाज़ा देख के जो होता है उसमें जाने में मुझे आई रियली फेल्ट के हेजिटेशन होती थी, मतलब इतना वो नहीं था यार ये कैसी जगह है, मतलब कंसीडरिंग द फैक्ट दैट आई केम फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड, थोड़ा सा लगा होगा रूरल बैकग्राउंड और आपका इतना एक्सपोजर नहीं था, ठीक है ना, तो उसी चीज़ को देन आई रियलाइज्ड कि आप या तो अपने पास्ट को कर्ज करें कि यार आई कुडंट गेट द सेम अपॉर्चुनिटी लाइक दीज यू नो किड्स प्रॉबेबली हैड, अच्छे स्कूल में पढ़ा है, एकेडेमिक है, तो व्हाट आई थॉट कि ऑप्शन क्या है उस पास्ट को तो आई कांट अनडू, तो ऑप्शन क्या है कि आपके पास जो अभी अवेलेबल मीन्स हैं क्या उससे आप टर्न अराउंड कर सकते हैं, सो दैट्स व्हाट आई डिड, कि मैंने कहा यार अगर अभी पहले इंग्लिश नहीं आती तो अभी अभी सीख लेते हैं, अभी कर लेते हैं, अभी मैं क्या कर सकता हूँ, तो दैट्स हाउ एक्चुअली आई डिड इट। और वही जो आप कह रहे हैं कि वो जो आप समझ लें कि आपकी लाइफ में अगर कुछ चीज़ मिसिंग है वो आप अगर उसको कन्वर्ट कर लें इनटू मोटिवेशन एंड देन इनटू अपॉर्चुनिटी देन कोई आपको रोक नहीं सकता। तो अपार्ट फ्रॉम उर्दू एंड इंग्लिश कोई और लैंग्वेज आपको आती हो? नहीं, और लैंग्वेज मतलब अपनी पंजाबी आती है, पंजाबी अपना है। अच्छा, तो पंजाबी आप मतलब पंजाबी आपका डायलेक्ट स्ट्रॉन्ग है? जी, मदर टंग। अच्छा, तो वो तो व्हेन आई डू शॉपिंग और कहीं भी जाता हूँ यूजुअली लोग जो इवन आपको दुकानदार हैं और देख के वो आपके गेटअप को देख के तो वो बेचारे कोशिश करते हैं उर्दू में बोलने की, तो मैं कभी उनसे उर्दू नहीं, मैं टिपिकल उनसे देसी स्टाइल में बात करता हूँ, जो भी लोग हैं तो दे इन्जॉय दे वो थोड़ा सा उनको लगता है क्योंकि लेट्स गिव देम द कम्फर्ट, मतलब मैं अपने ऊपर क्यों पोर्ट्रे करूँ कि इफ़ आई कैन स्पीक व्हाई नॉट एम्ब्रेस इट व्हाई नॉट, मतलब उसको आराम से पंजाबी में अगर कोई मेरा ड्राइवर है या कोई दुकानदार है वो बेचारा मुश्किल से मुझे एक्सप्लेन कर रहा है यार वो देख के मुझे कि गाड़ी से बंदा उतरा है और ये किया, नहीं मैं तो उसके साथ फ्री स्टाइल में और एक दफ़ा थोड़ा सा वो देखते हैं फिर वो एंड देन दे रियली फील कंफर्टेबल। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट यू वांट इन लाइफ, टू जस्ट मेक अदर पीपल कंफर्टेबल सो दे कैन एक्चुअली हैव अ कन्वर्सेशन विद यू, यू नो। आपने ये बोला कि जिक्र किया कि आप जब मार्केट जाते हैं तो आप पंजाबी में बात करते हैं विद द शॉपकीपर्स एंड ऑल, तो कभी आपको मतलब मार्केट में किसी ने एकदम से पहचाना हो कि ओह माय गॉड यू नो? असल में ख़ास करके जो अपने इलाके में जाता हूँ वहाँ पे तो काफ़ी वो होता है। अब असल में ये चीज़ें ना कि बेसिकली मीडिया चैनल्स टीवी चैनल्स इतने ज़्यादा हो गए हैं तो अब वो वाला लोग, मतलब पहले होता था कि मैं मार्केट में जा रहा हूँ अगर आप वहाँ पे पीस टू कैमरा कर रहा हूँ कोई रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो पीपल वुड स्टॉप एंड लुक एट इट कि क्या हो रहा है। अब लोग इतने इम्यून हो गए हैं कि दे डोंट बॉदर, मतलब अब मार्केट में कर रहे हैं, मतलब ये चीज़ें ना कि इतनी ज़्यादा चीज़ हो गई है। वो एक ज़माना था कभी पीटीवी इवन मैं रेडियो पे जब खबरें पढ़ता था या किए तो इवन माय वॉइस वाज पॉपुलर, लोग गांव में कहाँ कहाँ सुन रहे हैं सारों को पता, जी वो देखो कामरान का प्रोग्राम आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो अब चीज़ें थिंग्स हैव चेंज्ड, मतलब उस तरह से ना। हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं ना मेरे ख्याल से ताकि हम कुछ खा पी लें। जी जी जरूर, ताकि क्योंकि चाय भी ठंडी हो रही है, तो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। Back from our break, you're watching Sundown Evening Tea with Naila Shuja, और आज के खास मेहमान हैं Mr. Kamran Yousaf. I'm so happy to like be having chai with you right now here at Tanjalo's in Islamabad. बहुत मज़ा आ रहा है, एक तो चाय मज़े की है, खाना मज़े का है और कंपनी भी मज़े की है. Thank you so much. It's an honor. तो आप बता रहे थे कि अपॉर्चुनिटीज़ की मेरे ख्याल से बात हो रही थी कि आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं प्रोवाइड हो रही थी एज़ यू नो जो अब लोगों को प्रोवाइड हो रही हैं, मतलब अब तो यूनिवर्सिटीज़ एंड स्कूल्स में भी एक पूरा मीडिया स्टडीज़ का वो मतलब सब्जेक्ट या डिसिप्लिन शुरू हो गया है। अच्छा, अपॉर्चुनिटीज़ का भी ना असल में एक ये भी डिबेटेबल पॉइंट है कि अपॉर्चुनिटी होती है या अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ती है। बिल्कुल, आई थिंक जो सक्सेसफुल लोग हैं अगर अपॉर्चुनिटी नहीं भी होती तो अपॉर्चुनिटी वो क्रिएट कर लेते हैं। आई थिंक ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि स्पेशली जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो आज की जो यंग जनरेशन है या इससे पहले भी जो लोग थे उनका शायद एक कॉन्सेप्ट है कि उनको एक कि शॉर्टकट के वो उसमें होते हैं कि आप जल्दी से अगर आप लेट्स से एक एंकर बनना चाहते हैं, जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि विद इन नो टाइम आप बड़ा इंस्टेंट हिट हो जाए ऊपर आप पहुंचे। लेकिन कभी जो सक्सेसफुल लोग हैं, नॉट एवरीवन, जो अच्छी एग्जांपल्स हैं, जो रोल मॉडल्स हैं जर्नलिज्म की फील्ड में ले लें, कभी उनकी लाइफ को क्लोजली आप देखें तो यू वुड फाइंड कि उनकी लाइफ में कितनी स्ट्रगल है। जो लोग आपको आज
बड़े नाम टीवी पे नज़र आते हैं तो वो फ्रॉम डे वन ऐसे नहीं थे, तो उनके पीछे एक पूरी एक हिस्ट्री है, एक पूरी स्टोरी है, जैसे मैंने आपको अपना बताया है। तो वो लोग, वो आई थिंक लोगों को बताने की ज़रूरत है कि इट टेक्स टाइम, और अगर आपके अंदर इतना हौसला है कि आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, आप पे लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे और आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, आपको लोग रेजिस्ट करेंगे, लेकिन अगर आप अपने गोल को लेकर के कमिटेड हैं तो आप देखेंगे कि एट सम पॉइंट इन टाइम यू वुड फाइंड दैट एवरीथिंग इज वर्किंग टुगेदर और आपकी उसमें जा रही है, और उसमें जो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड है वो बहुत बहुत ज़रूरी है। आई थिंक मैं अपनी लाइफ में जो चीज़ लर्न की कि अच्छी नीयत बहुत ज़रूरी है, कि आपकी गुड इंटेंशन, आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, सम टाइम अगर मैं हर चीज़ को लॉजिकली करने की कोशिश करूँगा तो आई मे फाइंड रियली डिफ़िकल्ट कि यार ये हो नहीं सकता। मतलब मैं अपनी एग्जांपल दे दूँ कि यार मेरा इफ़ माई इंस्पिरेशन वॉज टू बिकम और टू वर्क फॉर एनी इंटरनेशनल चैनल, अगर मैं कुछ साल पहले की अगर देखूँ तो प्रैक्टिकली इट सीम्स इम्पॉसिबल गिवन माई यू नो एकेडेमिक्स, गिवन माई द बैकग्राउंड, लेकिन अगर आपकी सोच ठीक है, इंटेंशन ठीक है और आप इमेजिन करते हैं चीज़ों मोटिवेटेड हैं तो देन यू वुड फाइंड योर सेल्फ कि नहीं यू कैन डू इट। मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी लाइफ में, कोई गोल आप ड्रिवन ना हो या कोई मोटिवेशन ना हो तब तक आप नहीं पहुंच सकते अपनी नहीं एब्सोल्युटली क्लियर। देखें मैं मेरी एजुकेशन उस तरह की स्ट्रांग नहीं है, जो चीज़ मेरे में जो क्रिटिकल या वाइटल रोल प्ले किया वो क्लैरिटी थी कि मैं फ्रॉम डे वन जर्नलिस्ट बनना चाहता था और हमारे यहाँ लोग ये है कि बाज़ दफ़ा मेरे कई दोस्त हैं क्लास फेलोज हैं कि जो अच्छी डिग्रीज लेकर के एंड प्रॉबली दे स्ट्रगल्ड अ लॉट कि अच्छी डिग्रीज अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ तो लिया लेकिन क्लैरिटी नहीं थी तो दे स्ट्रगल्ड। तो क्लैरिटी इज एब्सोल्युटली वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आपने क्लैरिटी की बात कर ली ना तो आई वुड लाइक टू प्ले अ लिटिल गेम, इट्स कॉल्ड रैपिड फायर। श्योर। तो बेसिकली मैं आपसे आपको एक वर्ड बोलूंगी एंड यू हैव टू गिव मी द क्विकेस्ट रिप्लाई यू कैन पॉसिबली गिव मी, ठीक है? एंड इट कैन बी अ वर्ड, अ फ्रेज, अ सेंटेंस या एनीथिंग। सो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है, पंजाब यूनिवर्सिटी। गुड यूनिवर्सिटी। गुड यूनिवर्सिटी, ओके। इस्लामाबाद। ब्यूटीफुल। चकवाल। चकवाल, लैंड ऑफ जनरल्स। फूड। लव इट। ओके। चाय। एंजॉय इट। एंजॉय इट। मूवी। आर्ट मूवीज। पॉलिटिशियन। एक्साइटिंग। एक्साइटिंग, ओके। एंकरिंग। चैलेंजिंग। बुक। सेल्डन रीड। सेल्डन रीड। सोशल लाइफ। Not much. Oh my goodness. Acha, Kashmir. Unfinished agenda of partition. Okay. And Lahore. Lahore is famous, of course. Famous. Famous for what exactly? For food. Lahore. और जिन्हें लाहौर नहीं देखे हैं वो जमे नहीं. That's it. चलें, that concludes our rapid fire round. बट मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा सीरियस सवाल होंगे तो कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग या लाइवली कॉन्वर्सेशन पे आते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी सबसे फेवरेट जगह कौन सी है, दैट यू लाइक टू गो टू एंजॉय यू नो योर टाइम देयर एंड जस्ट सोक एवरीथिंग इन। नाउ इन पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ इन आई मीन योर रिपोर्टिंग दैट यू आर टॉकिंग अबाउट और जस्ट इन जनरल लाइक आपकी मतलब समथिंग दैट रिमाइंड्स यू ऑफ होम या इट मेक्स यू फील कंटेंट या एक बहुत ही रफ के दिन के बाद आप जाते हैं वहाँ और आप सुकून में बैठ जाते हैं, यू नो यू एंजॉय दैट प्लेस। वो घर ही है, वो घर ही है, जब अपना सारा काम करने के बाद जब घर आते हैं तो आराम से रिलैक्स होके आफ्टर हेक्टिक डे और बहुत से हेक्टिक डेज पाकिस्तान में आपको पता है बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, ऐसा ऐसा टाइम हुआ है कि मतलब 16 घंटे काम किए तो देन यू जस्ट वांटेड टू बी at your place and feel relaxed. Oh my god, that's the best. Okay, so how do you relax? I mean obviously jab kaam se wapas jaye to my favorite hobby is of course watching TV, Netflix, YouTube, and other than that
मैं क्रिकेट खेलता हूँ अभी भी. अच्छा. विद अ हार्ड बॉल. ओके. और मैं हार्ड बॉल से बहुत डरती हूँ. मुझे एक दफ़ा लगी थी बचपन में. और माय एल्डर सन एक्चुअली प्लेज अ प्रोफेशनल क्रिकेट. ओह दैट्स वंडरफुल. आई एक्चुअली ट्रेन्ड हिम रेगुलरली. वी प्ले रेगुलरली. सो इट्स अ फादर सन बॉन्डिंग टाइम. या मैं उसकी एकेडमी में भी जाता हूँ. एंड आई रेगुलरली बॉल देयर थ्राइस अ वीक. सो काफ़ी लड़के. आई एम वेरी पॉपुलर बिकॉज आई एम अ लेफ्ट आर्म spinner. Achha. So okay. So if actually I would not have been a journalist, probably I would have become a cricketer. Really? Yes, I played for the Pakistan cricket team. Yes, certainly, because okay. But somehow or the other I couldn't get the appropriate platform. Yeah. वही बात आ जाती है. The passion that actually I had, I could have become a good cricketer. Still, I mean, many professional cricketers who played, when they saw me, they say that you could have easily still. If you work on little fitness, you could play still a first-class cricket. Oh my goodness, goodness. अच्छा, तो international travel में आप कहाँ जाना पसंद करते हैं? Like, what's your absolute favorite place to go to? Frankly, I really enjoy. I don't know. मतलब, it really at this stage sounds unpopular. But India में मुझे. India. India, I really enjoy. Really. I visited few times. So I really enjoy. So what's so special about India? And then you feel really connected because there is so much that you feel like something. Mutually shared history. Yeah, yeah. Mutually shared history, culture. Because of the commonality of the culture. जी. तो उसको बड़ा enjoy करते हैं. You've been in, you know, this industry for so many wonderful years, mashallah, and you've had so much experience. But मेरा एक ये सवाल है कि आप कैमरा की आंख के सामने बैठे हैं एंड यूर यू नो कैरिंग आउट दिस वेरी इंटेंस डिबेट विद योर गेस्ट एंड बड़ा माहौल बना हुआ है. हीटेड टाइप डिस्कशन हो रही है और कैमरा के पीछे कोई ऐसी मतलब एक्टिविटी हो रही है जिससे आपकी हंसी निकल रही है या यू वांट टू लाफ और यू वांट टू जस्ट यू नो गेट अप एंड टेक योर शू ऑफ एंड थ्रो इट एट देम एंड जस्ट बी लाइक ना करें आई एम ट्राइंग टू वर्क. कोई ऐसा वाकया हुआ है आपके साथ? ऐसे बहुत से वाकये हुए हैं. अच्छा, कोई शेयर करना ऐसे वाक्य? जो सबसे अच्छा वाकया हुआ वो डॉन टीवी में जब मैं प्रोग्राम करता था तो उस वक्त प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था. स्पेशल ट्रांसमिशन चल रही थी. जी. तो मैं था और मेरे साथ मेरे को एंकर थे आजकल ARY में अरशद शरीफ इज़ अ फेमस एंकर और हमारे बाकी गेस्ट हमारे ज़्यादातर जो रिपोर्टर्स ही थे. तो उसमें हमारे जो एक जो रिपोर्टर्स थे वो मुशरफ के काफ़ी हिमायती थे. तो मुशरफ उसमें हार गए. हाँ जी. तो मैंने उनको जान के कहा कि उनको आउट ऑफ नो वेयर उनको मैंने तंग करने के लिए कहा कि अगर आप मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट होते तो आप मुशरफ को वोट देते. तो उस पर जो साथ मेरे एंकर बैठे हुए थे उनकी हंसी निकल गई तो मेरी भी हंसी निकल गई. तो इट वॉज़ सो हिलेरियस. लाइव प्रोग्राम जा रहा है और हमारे जो डायरेक्टर न्यूज़ हैं वो कराची से वहाँ आए हुए वो कंट्रोल रूम में मौजूद थे. और लिटरली वी बोथ वर लाफिंग और बाकी जो तीन गेस्ट थे वो भी हंसना शुरू हो गए. और आप यकीन नहीं करेंगे कि प्रोग्राम को ब्रेक लेना पड़ा बंद करना. क्योंकि वो कुडंट स्पीक. मतलब इतना ज़्यादा वो माहौल बन गया था. यू गाइस वर लाफिंग एंड जस्ट ओह गुडनेस. यू आर वेरी ओपिनियनेटेड एंड यू हैव एन ओपिनियन ऑन द करंट सिचुएशन और प्रीवियस सिचुएशन दैट हैव कम एंड गॉन. आपको क्या लगता है कि मतलब कोई आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका है जो थोड़ा सा खौफनाक था दैट एक्चुअली पुट यू इन यू नो डेंजर मे बी या यू काइंड ऑफ हैड अ रिग्रेट कि मुझे ये बात बोलनी नहीं चाहिए थी या ये नहीं करना चाहिए था? यस सर्टेनली. मतलब ना सिर्फ टीवी के हवाले से बल्कि जो न्यूज़ के हवाले से जो मैं खबरों में करता हूँ तो कुछ ऐसी स्टोरीज मैंने की हैं जिससे आई फेस्ड लॉट ऑफ प्रॉब्लम. बैकलैश बहुत ज़्यादा मिला. बहुत ज़्यादा बैकलैश मिला है. बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं. तो बट एज अ जर्नलिस्ट इट्स योर राइट. इट्स आई मीन यू नीड टू बी प्रिपेयर फॉर दैट. अगर आप इस तरह की अच्छी स्टोरी करेंगे, अच्छी स्टोरी हमेशा कॉन्ट्रोवर्शल होती है. तो ऐसी बात करेंगे देर इज़ ऑलवेज अ बैकलैश. तो उसके लिए यू नीड टू बी प्रिपेयर फॉर दैट. मेरे केस में ये चीज़ था कि बिकॉज आई नो व्हाट आई एम डूइंग. ना तो मैं किसी का एजेंडा फॉलो कर रहा हूँ ना मैं किसी के पेरोल पे हूँ. हाँ जी. तो आई एम मतलब वट एवर आई एम डूइंग विद फुल ऑनेस्टी एंड सम टाइम यू कुड कमिट आई मीन ऑनेस्ट मिस्टेक दैट्स गिवन. आई मीन इट्स नॉट यू आर नॉट एन एंजल. इंसान है आप. बट एक चीज़ होती है कि आप किसी के एजेंडे को परसू कर रहे हैं या आप एक ऑनेस्ट मिस्टेक हुई है. सो दीज आर टू सेपरेट थिंग्स. तो मैं अपने प्रोफेशन में बिल्कुल यू आर राइट
अपना ओपिनियन होता है. आई गो ऑन सोशल मीडिया, एक्सप्रेस माई ओपिनियन, आई राइट माई कॉलम्स, इट्स ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस. बट वैन आई अपेयर एज अ जर्नलिस्ट, किसी चीज़ के ऊपर मैं कॉमेंट कर रहा हूँ, तो देन बहुत से जर्नलिस्ट हमारे यहाँ आप नहीं करते, देन आई सेट असाइड माई पर्सनल बायसेस. आई ट्राई टू बी ऑब्जेक्टिव एज मच एज आई कैन. सो ये दैट्स द राइट अप्रोच. इंटरनेशनल मीडिया में ये नहीं होता, बिकॉज मैं अगर पाकिस्तान इंडिया के इशू के ऊपर रिपोर्ट करूँ, सर्टनली आई एम अ पाकिस्तानी और मैं पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू को प्रेजेंट करूँगा, बट एट द सेम टाइम यू कांट बी लाइक वो कुछ पैट्रियाटिक या नेशनलिज्म आपने वहाँ पे नहीं दिखानी. एज अ जर्नलिस्ट यू नीड टू बी वेरी ऑब्जेक्टिव, ब्रिंग द होल पिक्चर, क्योंकि आपको देखने वाले सिर्फ पाकिस्तान के लोग नहीं देख रहे, इंडिया के लोग भी देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है आपका क्या पर्सपेक्टिव. इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी मैं अगर किसी पोलिटिकल सिचुएशन पर बात कर रहा हूँ, जब मेरा कंडक्ट ऐसा होना चाहिए कि मुझे PMLN के सपोर्टर्स भी देख रहे हैं, मुझे इमरान खान के सपोर्टर्स भी देख रहे हैं, और मैं अगर किसी इशू के ऊपर बात करूँगा तो आई हैव टू बी वेरी ऑब्जेक्टिव. दिस इज़ माई अप्रोच, नॉट नेसेसरली ऑन सोशल मीडिया जो मेरा ओपिनियन है, या मैं वीकली आर्टिकल्स लिखता हूँ, बिकॉज दैट इज़ मेंट फॉर माई पर्सनल ओपिनियन, उसमें मैं एक्सप्रेस करता हूँ. बट मैं अगर एज अ जर्नलिस्ट जो मेरा मैंडेट है जब आता हूँ, तो देन आई विल ट्राई टू बी ऑब्जेक्टिव. This is something that we need to incorporate, not just, you know, in the journalism field, but I think in all aspects of our lives. Absolutely. Mera bas ye aakhri sawal hai, and then, you know, I think hamari chai bhi khatam ho gayi hai. But mera aakhri ye sawal hai ki what advice would you give to the new generation jo aa rahi hai in the field of journalism, media and communications? I think sabse pehle cheez hai clarity. Okay. Second, I would tell them कि never go for shortcuts. ठीक है, shortcuts अगर आप के चक्कर में पड़ेंगे तो you will never succeed. और दूसरा ये है कि never get dejected because of criticism. आप prepare, कोई भी profession हो, journalism के अलावा भी, जब आप किसी भी profession में जाएंगे, next first I believe 2 to 3 years are very tough. आपको लोग, अगर आपके अंदर talent है तो आपको रेजिस्टेंस और भी बहुत ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि जो लोग पुराने लोग हैं दे फील थ्रेटन्ड. तो आपको करना क्या है कि अपना जो ऑब्जेक्टिव है उससे नहीं हटना, और कभी शॉर्टकट के चक्कर में नहीं करना कि जी मेरा कोई भाई है, मेरा कोई चाचा है या कोई और है, वो मुझे पुश करेगा तो आई विल सक्सीड. अपने अंदर सेल्फ बिलीव रखें, सेल्फ बिलीव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और बाकी ये चीज़ है कि कोई भी चीज़ इंसान घर से सीख के नहीं आता जी. तो अगर आप, और फिर सीखने के लिए मतलब बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. और ये जो चीज़, अब जो सबसे जो जो चीज़ इंसान को सेटबैक होता है ना, वो हमारा होता है एक बाज़ छोटी छोटी ईगोज़ होती है कि मैं फ़र्ज़ करें यंग जॉब शुरू की या इंटर्नशिप शुरू की, तो मुझे किसी सीनियर ने डांट दिया, तो आई टुक इट ऑन माई हार्ट, और यार मैंने नहीं करना. छोड़ दें इन छोटी छोटी, ये मीनिंगलेस चीज़ें होती हैं, ये टेम्प्रेरी होती हैं. वही चीज़ जब आप अचीव करेंगे, द सेम पर्सन हु इज़ कर्सिंग यू या हु इज़ नॉट शोइंग गिविंग यू रिस्पेक्ट, जब आप अचीव करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका पॉइंट ऑफ व्यू आपके बारे में चेंज हो जाएगा. जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट, उस ऑब्जेक्टिव पर कायम रहें और नीयत आप ठीक रखें, तो इंशाल्लाह वन डे यू विल अचीव व्हाटएवर यू वांटेड टू. ओह माय गॉडनेस, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत मज़ा आया आपके साथ बैठ के, मिस्टर कामरान यूसुफ. एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई हैड दिस यू नो कप ऑफ टी विद यू और हियर एट टैंजलोज इन इस्लामाबाद. बहुत बहुत मज़ा आया, खाना बहुत मज़े का था, चाय बहुत मज़े की थी और कंपनी भी बहुत मज़े की थी. थैंक यू, और मुझे भी बहुत मज़ा आया, आपने बड़ा अच्छा कंडक्ट किया. और कोई भी हर जो शख्स है ना, वो ज़ीरो से ही स्टार्ट करता है, तो आई ऑलवेज बिलीव कि हर इंसान के अंदर एक सलाहियत, एक टैलेंट मौजूद होता है, बस अपने पे वो ट्रस्ट करना चाहिए. और जितने जो हम जो भी लोग होते हैं, मैंने तो खैर अभी स्टिल आई बिलीव के आए, जो मैं अचीव करना था वो नहीं कर सका, आम ही लोग होते हैं. जस्ट जो चीज़ आपको चेंज करती है वो इट्स योर थिंकिंग, योर पर्सपेक्टिव, योर थिंकिंग. जो बंदा ज़िंदगी में कोई अचीवर है, उसकी सोच बड़ी है, वो सितारों की बात कर रहा है. जो जिसकी कुछ नहीं कर पा रहा, उसकी सोच का डिफरेंस है. आज आप सोच बना लें कि मैं इस मुल्क की प्राइम मिनिस्टर बनूंगी, तो आई टेल यू एट सम स्टेज यू विल बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. दैट्स हाउ इट इज़. ऐसे ही लोगों की लाइफ स्टार्ट होती है. Thank you so much, Kamran Saab, for joining us on Sundown Evening Tea with Naila Shuja. And thank you,
ladies and gentlemen, for watching. And a special shout out to Tandoos in Islamabad. Their food is wonderful. Chai bahut maze ki hai. And we ordered their barbecue, or I think, I'm not sure what it was, but it was a platter. And chicken tikka hai, kebab hai, and a wonderful sandwich. Bahut acha laga, and the environment is just amazing, and it's peaceful, and there's a waterfall here too. But that's all the show that we have for you today. So make sure to follow us on our YouTube page at youtube.com/city2.tv and on our Facebook page, facebook.com/city2.tv. Thank you so much for watching. I'll see you guys next time. Allah Hafiz. Ek second kahin jaiyega nahi, we still have to give you the recipe for reshmi seekh kebab and the grilled chicken sandwich. So jo reshmi seekh kebab the, usme we used chicken minced meat, onions marinated with cream, almonds and spices. So agar aapne zyada spicy rakhna hai to aap spicy rakh sakte hain, agar aapne kam rakhna hai to aap kam bhi rakh sakte hain. But you know, kebab ka maza hi spicy hota hai, to thodi si mirchi zyada rakhiyega. Aur jo hamara grilled chicken sandwich hai, usme obviously we used bread as well as grilled chicken, cucumbers, tomato, spicy sauce and cheese. So aap log apni recipes you know, you can add and subtract to it, but hume comments mein batayega ki aapne kya add subtract kiya tha. So that's all our show for today. Thank you so much for tuning in. Take care. Allah Hafiz.